વાલા ભાઈ બહેનો, દુનિયામાં બહુ ખરાબ વખત ચાલી રહ્યો છે. તેમાં આપણે બધાએ બહુ સંભાળીને જિંદગી ગુજારવાની છે અને તે માટે બેસ્ટ ઉપાય એ છે કે આપણે પોતાને માટે વેક્સિન લઈએ. અમે અને અમારા ફેમિલીએ પણ વેક્સિન લીધી છે અને તેમાં તબિયતની કશી પણ તકલીફ પડી નથી. ખુદા પાસે દુઆ ગુજારી કરીએ છીએ કે આવા દુઃખમાં સર્વેનો બચાવ થાય, જીવતા રહીશું તો દુનિયા જોઈ શકીશું. અદાવર મેં આપણે તમામ દેશવાસીઓ ગુજારિશ કરતા હું કે બરાય કરમ જલ્દ અજલ્દ કોર્સ વેક્સિન લગવાએ, જાન હૈ તો જહાન હૈ, અપને આપ કો બચાએ, દૂસરો કો બચાએ. જય હિન્દ. कोरोना का टीका भारत में लगाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया है कि पूरे भारत में कोरोना का टीका फ्री लगाया जाएगा, मुफ्त लगाया जाएगा और भारत सरकार उसके लिए पूरा बंदोबस्त कर रही है. लिहाजा मैं सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ, मुसलमानों से भी और हर धर्म के लोगों से, भारत के सभी नागरिकों से, कि टीका लगवाने में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. इसके बारे में जो कोई अफवाहें फैलाई जा रही हैं या शक शुबा फैलाया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान न दें. वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये महामारी जो चल रही है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. ये जब कोरोना चला है वबा, इसकी अभी तक कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई है, इसके लिए एहतियात ज़रूरी है और एहतियात के सिलसिले में ये वैक्सीन बनाए गए हैं जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से उसको उस मरज़ से लड़ने की ताकत पैदा होती है. क्योंकि खुद मैंने भी लगवाया, तकरीबन 15-20 दिन हो रहे हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो बुखार तक भी नहीं आया. मेरे अहलिया ने लगवाया, उनको हाँ 2 दिन तो हल्का बुखार रहा 100 के करीब, और मेरे बहनों ही, सगी बहनों ने लगवाया, मेरी सगी बहन ने लगवाया, मेरे सगे भाई ने लगवाया, मेरी सगी भाभी ने लगवाया और उसके अलावा जो हमारे फुफीजाद भाई हैं, लोग हैं, सब लोगों ने, सब ने लगवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई बात नहीं है. लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि ये जो है वो शरीयत का भी इस पर कोई दखल इसमें नहीं है. क्योंकि सीतानी साहब का भी अपने बयान देखा, उन्होंने भी इजाज़त दी है कि उसमें क्या इसमें शरीयत का कोई ऐसा नहीं है. फिर दूसरी चीज़ ये लोग अपने समझते हैं कि ये लगवाना ज़रूरी है, लगवा लिया जाए.